नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में हर हाथ तिरंगा हो, घर घर तिरंगा हो के गूंज से पूरा शहर गूंज उठा। मौका था आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर तिरंगा यात्रा का। राष्ट्रवाद के सूत्र में जन जन को पिरोने के लिए सामाजिक संगठन अंबिका सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 101 मीटर लंबा तिरंगा पदयात्रा कार्यक्रम को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा गिरजाघर स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के समक्ष तिरंगा लहराकर रवाना किया गया। जैसे ही तिरंगा यात्रा रवाना हुई, भारत माता की जयकारा से समूचा क्षेत्र गुंजयमान हो उठा। मौके पर पहुंचे DM विशाल भारद्वाज ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव में प्रत्येक संगठन को सहयोग करना चाहिए ताकि शासन की इस मुहिम को सफल बनाया जाए। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक सामाजिक संगठन अंबिका सेवा संस्थान की सराहना की। यह तिरंगा यात्रा स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के समक्ष से निकलकर सिविल लाइन होते हुए अगरसिंह चौराहा से गांधी प्रतिमा, रायदोपुर कलेक्ट्रेट चौराहा से होते हुए तिरंगा चौराहा नरौली पहुंचकर विधिवत राष्ट्रगान वंदे मातरम के साथ समाप्त हुआ। यह तिरंगा यात्रा जिन मोहल्लों में पहुंची वहीं भक्ति गीत और भारत माता का जयकारा सुनकर हर व्यक्ति गौरवान्वित हो उठा। विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिलेश मिश्र गुड्डू, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, जयप्रकाश पांडे, अभिषेक जायसवाल दीनू, अजय सिंह ने संस्थान के अध्यक्ष रूप नारायण उपाध्याय की सोच की तारीफ करते हुए भविष्य में किसी भी कार्यक्रम के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम संयोजक अभिषेक उपाध्याय, सौरभ उपाध्याय, अच्युतानंद त्रिपाठी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिले के समस्त संगठनों ने अपना सहयोग दिया है, जिसके माध्यम से इस तिरंगा यात्रा में हजारों हजार व्यक्ति शामिल हो उठे और राष्ट्रवाद का जागरण हो सका। इस अवसर पर ADM सदर जलराजन चौधरी, तहसीलदार राजीव त्रिपाठी, नायब तहसीलदार श्री राम गौड़, COCT गौरव कुमार, हरिवंश मिश्रा, विपिन सिंह, अंशुमान राय, शैलेंद्र अग्रवाल, सुभाष चंद तिवारी कुंदन, अनिल पांडे, कमलेश तिवारी, संजय पांडे, अरुण पाठक, नवीन चौबे, CP यादव, वेद पांडे, विजय मिश्रा, वीरेंद्र मौर्या, संतोष कुमार, वीरेंद्र पाठक, धर्मेंद्र यादव, संदीप राजभर, मोहम्मद फैसल, आशीष द्विवेदी सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। देखिए, आज़ादी का 75वां वर्ष है और अमृत महोत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि देश में हर घर पर तिरंगा फहराकर यह कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। आज उसी क्रम में वृंदा बाजार के हमारे अंबिका सेवा संस्थान के द्वारा ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है जो चर्च गेट से चलकर नरौली तिरंगा चौराहे पे समाप्त होगी। उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जनता के लिए क्या मैसेज है? अब इससे बढ़िया मैसेज क्या हो सकता है कि 75वां वर्ष बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और हर घर पर जब तिरंगा लहरेगा तब उस समय जो लोग अपनी कुर्बानी देकर आज़ादी में अपना योगदान दिए थे और इससे बढ़िया श्रद्धांजलि उनके लिए कुछ नहीं हो सकती। यही कारण आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव के रूप में सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अंबिका सेवा संस्थान के जो भी संस्थापक हैं, छोटे भाई अभिषेक जी, उनकी पूरी टीम को तथा इस तिरंगा यात्रा में आज सम्मिलित हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, रानीसराय के ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह जी, नगर पालिका के पूर्व प्रत्याशी रहे भाई अजय सिंह जी, मोनू विश्वकर्मा जी सहित सभी पीछे बहुत सीनियर लोग हैं, एडवोकेट तारकेश्वर मिश्रा जी हैं, ब्रजेश नंदन पांडे जी थे, हमारे नगर के अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल जी हैं और इस कड़ी धूप में इस यात्रा को सफल करने में हमारे आए हुए सभी देश के हमारे वासी जिला पंचायत सदस्य अजय सिंह जी हैं सामने। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार 15 अगस्त के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में अपने घरों पर तिरंगा फहराकर जो एक कार्यक्रम है बहुत ही शानदार और जानदार कार्यक्रम है इसको आप सफल बनाइएगा। देश को आजाद करने में जो भी हमारे
शहीद हुए सभी क्रांतिकारी वीर योद्धा हैं, सबके चरणों में अपना श्रद्धांजलि देते हुए आप सब। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।